हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। पंखों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, तू जमी पर बैठ करके आसमान देखता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जो आपका क्लास 10 साइंस है, 27 फरवरी को आप लोगों का साइंस का पेपर है, ठीक है। 27 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, लघु उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ाऊंगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो साइंस में आपको 70 में 65 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप लोग अगर ये साइंस के क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो, ठीक है, साइंस के हमारे इसमें कौन-कौन सी चीजें हैं, क्लास 10 साइंस के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं, सारे क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, जो 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, अगर आप लोग चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखो, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जो हमारा लौह चूर्ण है, यानी कि लोहे का चूर्ण है, ठीक है, अगर उसमें हमने HCl प्रवाहित करा, HCl, तो क्या होगा, सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या फिर क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण एवं जल बनता है। कौन सा ऑप्शन सही है, सारे स्टूडेंट को पता होगा, पहले ही चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है, H2S विलयन का पीएच वैल्यू होती है, H2S विलयन, बच्चों H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एसिड है, यानी कि अम्ल है, और अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 0 से हमारा 7 और 7 से 14 तक पीएच स्केल होता है, ठीक है। 0 से लेकर 7 तक हमारा क्या होता है, अम्ल होता है, 7 से लेकर 14 तक हमारा क्षार होता है। तो अब आप लोग बता दो कि अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू 0 हो गया, 7 हो गया, 7 से कम या 7 से अधिक। देखो, जो हमारा 7 होगा वो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा, 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, पूछ रहा है कि धामन सोडे का रासायनिक नाम है, जो धामन सोडा है जिसका उपयोग हम लोग धोने में करते हैं, ठीक है, कपड़े धोने में, तो सोडियम का क्लोराइड होगा, या सोडियम कार्बोनेट होगा, या सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। सारे को आप लोग देखो ध्यान से, बताओ कि हमारा धोने वाले सोडे का जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा, केमिकल नेम, ठीक है, तो वो होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम, याद रखना। जितने क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव, और अगर आपने तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनोगे साइंस का, ठीक है। अभी हमारे बहुत सारे क्लासेस आने वाली है, मैराथन क्लासेस। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है, जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, तो इस विलयन में क्या होगा। देखो, जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है वो हमारा अम्ल ही होगा, तो NaCl होगा, HCl, LiCl, KCl, तो बच्चों वो जो होगा वो हमारा HCl होगा। क्या होगा, HCl, जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है वो हमारा HCl अम्ल होता है, जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन देखो यहां ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, Fe, फेरस, जेडन, जिंक, या कॉपर, या मैग्नीशियम। तो बच्चों एक मैंने आपको पढ़ाया था सक्रता सरणी, और उसमें बीच में आपका हाइड्रोजन होता है, इसके नीचे कुछ चीजें होती हैं, और उसमें Fe जो है वो ऊपर है, जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं, और जो नीचे होंगे वो नहीं कर सकते। तो यहां मैं आपको बता दूं, जो नीचे है वो हमारा है कॉपर, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे है, तो वो इनसे गरीब हैं, और ये इनको कैसे हटा पाएंगे जब खुद गरीब हैं। तो Cu जो है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता, ठीक है, और ये सब कर लेते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देती है, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, या फिर हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, या फिर फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, या फिर सिल्वर नाइट्राइड विलयन एवं कॉपर धातु। तो भाई कौन सी हमारा
युग्म है जो प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देती है, तो वो हमारा है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोगों को तैयार करके ही जाना है कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। सबसे पहले एसिटिक अम्ल का फार्मूला पता करो, CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 है, 2 कार्बन है, यानी कि मेथ एथ, एथेनोइक अम्ल होगा ये वाला। देखो एसिटिक अम्ल तो हो नहीं सकता ए वाला ऑप्शन, मेथ, मेथ का मतलब एक ही कार्बन, लेकिन इसमें हमारे 2 कार्बन है, कितने हैं 2 कार्बन है, प्रोपेनोइक में 3 हो जाएगा, इसलिए हमारा एथेनोइक अम्ल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना अगर बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, यहां देखो, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, मतलब जो बर्तन की तली है बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों काली हो रही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भोजन पूरी तरह से पक नहीं रहा है, या भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, जो ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या ईंधन जो है वो आर्द्र है मतलब थोड़ा नम है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही है कि ईंधन जो है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है, अगर ईंधन पूरी तरह से जल रही होती तो ये जो तली है ये काली नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 अब आप लोग देखो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यही सारे आएंगे भी। ठीक है, देखो स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, तथा H2O और जल, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और जल, या फिर क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी, बताओ भाई। स्वपोषी पोषण जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो बताओ स्वयं अगर अपना भोजन बनाते हैं तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड जल की आवश्यकता पड़ेगी, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश भी, तो फिर हमारा उपयुक्त सभी डी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, उपयुक्त सभी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि यकृत क्या स्रावित करता है। ठीक है, यकृत क्या स्रावित करता है, लार या जठर रस, पित्त रस, अग्नाशय रस, चलो बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं पता तो इसका मतलब आपने पाचन तंत्र ही नहीं पढ़ा, और साइंस का पेपर नजदीक है, पाचन तंत्र तो पढ़ना ही पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यह स्रावित करता है पित्त रस। ठीक है, यकृत क्या स्रावित करता है, पित्तरस। ठीक है, तो यकृत हमारा पित्तरस स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 अब देखेंगे, देखो ध्यान से समझना, इसमें क्या पूछ रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जाइलम, देखो ऊतक दो होते हैं पादप में, दो प्रकार के ऊतक होते हैं, ये ऊतक है पहला जाइलम, ठीक है, दूसरा फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जल का स्थानांतरण करता है, फ्लोएम क्या करता है, एफ से होता है फूड और एफ से फ्लोएम, तो ये भोजन का स्थानांतरण करता है, तो पादप में जो जाइलम होता है वो जल के स्थानांतरण के लिए जाना जाता है, किसके स्थानांतरण के लिए, जल के स्थानांतरण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 देखना, लिखा मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, वृक्क, वृक्क का मतलब होता है किडनी, जो एक जोड़ी पाया जाता है मनुष्य में, एक जोड़ी, ठीक है, मतलब दो, तो फिर वो पोषण से संबंधित है, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, चलो बताओ, वृक्क, वृक्क किससे संबंधित है, वृक्क, तो वृक्क जो है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, क्योंकि ये एक मेन उत्सर्जी अंग भी है वृक्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखना, इसमें पूछ रहा है कि प्राग कोष में होता है, प्राग कोष में क्या होता है, प्राग कोष, देखो प्राग कोष में क्या जुड़ा हुआ, प्राग, तो प्राग कोष में प्राग कण होता है, क्या होता है, प्राग कण, देखो ऑप्शन में वाहेदल तो होता नहीं, प्राग कण होता है अंडा प्राग कण, तो देखो यहां आप लोग एक ऑप्शन चेंज कर देना, ये आप लोग कर देना दल,
ठीक है, ये हमारा प्राग कण होता है। देखो प्राग कण होता है, एक ही ऑप्शन होना चाहिए, दल मैंने कर दिया, वाह दल और तल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14। देखो ध्यान से समझना, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन किसमें होता है, जो द्विनिषेचन है वो किसमें होता है, जंतुओं में, आवृत बीजी पादप में या अनावृत बीजी पादप में या शैवाल में। तो बताओ बच्चों की जो हमारा द्विनिषेचन है, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन, वो इन चारों में से किसमें होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन है वो आवृत बीजी पादप में होता है। किसमें, आवृत बीजी पादप में। ठीक है, वी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आओ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, अंडाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग है ही, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका निम्नवाणी, शुक्रवाहिका नहीं है, शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। किसका, नर जनन तंत्र का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा शुक्रवाहिका है वो एक नर जनन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 16। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग, जायांग, बीजांड, अंडाशय। देखो पुमंग और जायांग दो होते हैं। ठीक है, जायांग जो होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग होता है, मतलब मादा वाला भाग होता है, और जो पुष्प का नर भाग होता है वो पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पुमंग। ठीक है, ध्यान रखना, नर भाग को पुमंग कहा जाता है। ठीक है, तो नर भाग हमारा पुमंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मेंडल का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन नोट भी कर लेना, याद भी कर लेना। अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का उपयोग किया। अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था, पपीता का, आलू का, मटर का या अंगूर का, किसका प्रयोग किया था। अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था मेंडल ने, 7 लक्षण भी दिए थे, तो बता दो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मटर का प्रयोग किया था। इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, वैज्ञानिक नाम मटर का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम कमेंट बॉक्स में बताना, मटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ ध्यान से देखना, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 42, 44, 46, 48, चलो बताओ, ये तो जानते हो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मानव होता है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या तो सभी को पता है 46 होता है, जिसमें से नर में जो होता है 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो XY होते हैं, और मादा में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये मादा में होते हैं, ये नर में होते हैं। ठीक है, तो नर और मादा में ये दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 19 नंबर, यहां पूछ रहा है कि एक उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। चलो ये तो क्वेश्चन सभी को पता है, एफ बराबर आर बाई टू, हमें आर ज्ञात करना है, 2F, F की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, तो R बराबर 2 × 10, R बराबर हमें मिलेगा 20, R वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। B वाला ऑप्शन सही है बच्चों, वक्रता त्रिज्या हमें 20 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये सारा तो समझ में आ ही रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस जो होगा वो संभवता कैसा होगा। दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। देखो बच्चों, अगर दोनों की फोकस दूरियां -15 है, देखो चाहे आप अवतल अवतल दर्पण लो, ध्यान से समझना, चाहे आप लोग अवतल दर्पण लो या फिर लेंस लो, इसमें हमारा दोनों में फोकस दूरी ऋणात्मक ही होगा, तो ये हमारा सही है, दोनों अवतल चाहे आप लेंस लो या दर्पण लो, ठीक है, दोनों अवतल है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगा, प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होगा, तो जो सबसे ज्यादा कठोर होगा उसमें सबसे कम होगा, हीरा में, जल में, कांच में, कैरोसिन में, तो इसमें सबसे ज्यादा कठोर क्या है, सबसे ज्यादा कठोर क्या है बच्चों, तो वो है हीरा, तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगा, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो,
सामान्य स्वस्थ के लिए दूर बिंदु होता है, सामान्य आंख है जिसका, सामान्य स्वस्थ आंख है तो उसको लिए दूर बिंदु क्या होगा, दूर बिंदु क्या होगा बच्चों जल्दी से बताओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इनफाइनाइट। अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आपका जहां तक आंख की नजर जाएगी वहां तक देख सकते हो, तो इसलिए हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ यहां, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किस रंग का होता है, लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का या हरे रंग का, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है। और जो बैंगनी रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जो हमारा बैंगनी रंग है उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, अगला है 24, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक जल्दी से बताओ, ओम होता है या ओम मीटर या ओम मीटर या फिर हमारा ओम प्रति मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है, जनित्र है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर मोटर। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है ना बच्चों, वो हमारा क्या है, जनित्र है, क्या है, जनित्र। तो जनित्र जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो ये हमारा है 25 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आप लोग देखो 26 नहीं है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये पढ़ लेना। अभी हमारे और भी क्वेश्चंस हैं जो लघु उत्तरीय हैं और दीर्घ उत्तरीय हैं, तो सारा देखना है, इसलिए आप लोग ये ऑब्जेक्टिव जितना मैंने बताया है सारा तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। अब हम लोग देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार करके जाना, ठीक है, ये ध्यान से देखो, ठीक है। लिखा हुआ है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, जो हमारा लोहे की कील है यानी कि Fe, इसे CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है तो इसका रंग क्यों बदल जाता है। देखो आंसर समझना भी, रिएक्शन भी समझाऊंगा। लोहा जो होता है कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, देखो लोहा जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, लोहा जो है वो कॉपर से ऊपर स्थित है, ठीक है, सकरता सरणी में, तो इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है जिसका अभिक्रिया निम्नमत है, ठीक है। मैं आपको अभिक्रिया समझाता हूं, देखो आप लोग क्या करना है, लोहा जो है लोहा को लेना है यानी कि Fe, ध्यान से समझना, ठीक है, Fe, यहां मैं आपको समझाता हूं, Fe और यहां हमारा CuSO4 है, CuSO4 है, तो गिव्स आउट हमारा क्या मिलेगा, Fe जो है वो Cu को विस्थापित कर देगा, तो FeSO4 बन जाएगा, FeSO4 और प्लस Cu बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यही हमारा रिएक्शन है, ठीक है, यही हमारा क्या है, रिएक्शन है। और अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया तो फिर आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो क्या हुआ कि यहां जो है कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया, इसलिए इसका रंग बदल ही गया, ठीक है, बदल ही जाएगा, तो यहां क्या हुआ, जो Fe है वो Cu को विस्थापित कर दिया और इसका स्थान स्वयं ले दिया, और यहां FeSO4 हो गया, कॉपर को बाहर कर दिया, तो इसलिए जो है वो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन जाता है, इसलिए इसका रंग बदल जाता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अब आप लोग यहां देखो ध्यान से, लिखा हुआ उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण भी दीजिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अम्ल और क्षार, जैसे अम्ल है, ठीक है, अम्ल है, ध्यान से समझना, प्लस क्षार है, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा प्लस जल बनेगा H2O, वही बता रहा है कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनता है या प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसकी अभिक्रिया कराना है, ठीक है। तो कैसे कराओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो मैं आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है, चलो ठीक है। अब आप लोग अभिक्रिया को समझ लो, ठीक है, NaOH आप लोग ले लो, ये क्या है बच्चों, NaOH ये हमारा क्षार है, प्लस आप लोग HCl ले लो, ये हमारा क्या है, अम्ल है, क्षार और अम्ल या अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगी तो NaCl बन जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या है, ये NaCl लवण है,
प्लस H2O बन जाएगा, ये क्या है, जल है, बस यही हमारी अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है, यही हमारी अभिक्रिया है। देखो क्षार है, अम्ल है, अभिक्रिया करा, लवण और जल बन जाएगा, बस, ठीक है, अभिक्रिया समझ में आ गई ना क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है ये आपको बताना है, उदाहरण के साथ समझाइए। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, समजातीय श्रेणी समझना कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो। अगर आपका सामान्य सूत्र जो हो, मान लो CN H2N प्लस 2 है, यानी कि यह हमारा क्या है, एल्केन है। अगर एल्केन के हो तो सारे एल्केन ही समूह के हो, अगर ग्रुप है तो OH ग्रुप है तो सारा OH ग्रुप के हैं, COOH ग्रुप है तो OH ग्रुप के सारे हों, CHO ग्रुप है तो CHO, मतलब एक ही ग्रुप के सारे हों, तो वो हमारे समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसे हम लोग समजातीय श्रेणी तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मेथेनॉल मैंने लिया, CH3OH, OH समूह है, फिर एथेनॉल में OH समूह है, प्रोपेनॉल में CH3CH2CH2OH, सारे में OH समूह है, यानी कि हमारे क्या हैं, एक जैसे समूह हैं, तो इसलिए हमारा इसका एग्जांपल हो जाएगा और ये हमारा समजातीय श्रेणी की परिभाषा भी हो जाएगी, ठीक है। कुछ लक्षण भी हैं इनके, देख लो, जैसे समजातीय श्रेणी के सदस्यों के लक्षण, लक्षण भी समझ लेना। पहला, सभी सदस्य एक ही सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होगा। यह कैसे होगा, देखो मान लो हमारा है CH4, ठीक है, और CH2H6, ये हमारा समजातीय श्रेणी का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें सामान्य सूत्र एक जैसा है, कौन सा है, CN H2N प्लस 2 वाला, ठीक है, तो इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है, तो अगर CH2 का अंतर हो तो वो भी हमारा समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। डी, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में आप लोग अणुभार में 14U का अंतर होगा। देखो 6 कार्बन, यानी कि देखो इसका 12 होता है और 2 आप लोगों का हाइड्रोजन, यानी कि 14 परमाणु भार का दोनों के बीच में अंतर भी होगा, ये खुद से बनाकर लिख सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले निम्नवत कारक हैं। पहला समझो, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर जो वाष्प उत्सर्जन है वो कम हो जाता है। अगर वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्प उत्सर्जन कम हो जाएगा। वायुमंडल ताप बढ़ने पर, तेज हवा चलने पर, आंधी आने पर वाष्प उत्सर्जन बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, प्रकाश या दिन में वाष्प उत्सर्जन अधिक होता है और रात में कम होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो स्ट्रोमा है वो खुले रहते हैं, जिससे वाष्पीकरण अधिक होता है, ठीक है। ये भी आप लोग पॉइंट याद कर लेना, जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपके पास समय कम है, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है और मैं आपको एक हिंट अच्छे से बता दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, छोटा सा है, विकासीय संबंध स्थापित करने वाले जीवाश्म का क्या महत्व है, विकासीय संबंध में जो स्थापित करने वाले जीवाश्म उनका क्या महत्व है भाई। तो देखो, उत्तर, जीवाश्म पुराने जीवों के अवशेष तथा चिन्ह या सांचे हैं। जीवाश्म के अध्ययन से पता चलता है कि अमुक जीव कब पाया जाता था एंड वह कब लुप्त हो गए। जीवों के विकास के क्रम में पहले जीव की संरचना कैसी थी, बाद में उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सारी चीजें विकासीय दृष्टि से पता चल जाता है, कैसे कैसे मनुष्य का विकास हुआ, कैसे कैसे लोग बदलते गए, बस। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक न्यूमेरिकल छोटा सा देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में, एक गुलाम आवेश की रचना कीजिए और आप लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकलित करना है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इसको समझाता हूं, अच्छे से देखो, ध्यान से समझना। आप लोगों को जो एक गुलाम आवेश दे रखा है, यानी कि क्यू बराबर हमें एक दे रखा है, ठीक है। एंड ई आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻¹⁹ गुलाम, ठीक है। एंड अब आप लोगों को क्यू बराबर एनी फार्मूला पता होगा, एन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ई हमारा कितना है, देखो ध्यान से समझना, हमारा क्यू कितना है, वो 1 है और नीचे आप लोगों को आ जाएगा 1.6×10⁻¹⁹, ठीक है। अब इसको अगर आप लोग यहां से पॉइंट हटाओगे, यहां 0 बढ़ाओगे, ठीक है, अब एन जो आप लोगों को मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो आप लोग ध्यान से समझो, वो हमें मिलेगा 6.25×10⁻¹⁸, ठीक है। इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, की संख्या, ठीक है, 6.25×10⁻¹⁸, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं यार लाइक भी कर देना, ठीक है,
शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सारी पूरी तैयारी कराई जाएगी साइंस की और भी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।